अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी स्पेशल लौकी की खीर जो शादियों में बनती है। एक मैंने पैन ली हुई, इसमें 2 टेबल स्पून असली घी डाली हूँ और ये इसमें 1/2 किलो लौकी, ये देखिए मैंने घिस के रखी हूँ लौकी, ये इसमें मैं पूरी ऐड कर दूँगी। इसमें इसे 5 से 10 मिनट तक के पकने देंगे हम, इसका पानी सूखे तक। इसके बाद क्या प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब तक कि हमारी लौकी नरम हो रही है, मैं इसमें 1/2 लीटर दूध ले ली हूँ। ये 1/2 लीटर दूध है, ये मैं गर्म करके रख चुकी थी, अभी मैं स्लो फ्लेम पे वापस रखी हूँ। इसमें मैं ये 3 हरी इलायची ऐड कर दूँगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है। मिल्क को भी हम पकाएंगे और थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे रखेंगे हम। देखिए लौकी का भी पूरा पानी सूख चुका है, देखिए वो घी ऊपर आ चुका है, ये लौकी का पूरा पानी सूख चुका है। ये लौकी अभी हम दूध में ऐड कर देंगे, इसका फ्लेम बंद कर देंगे, ये इसमें मैं आपको ऐड करके बता। देखिए गैस का फ्लेम मैं फास्ट कर दी हूँ और ये लौकी देखिए इसमें मैंने ऐड कर चुकी हूँ। इसको अच्छी तरीके से हम पकने देंगे। से हमारी खीर लौकी इसमें पक रही है दूध में ही। अब मैं इसमें ये थोड़े साबुदाना ऐड करूँगी, ये मैंने 1 कप छोटा सी भिगा के रखी थी 1/2 घंटा पहले, ये पूरा इसमें ऐड कर दूँगी। साबुदाना भी हमारा गल जाएगा और लौकी भी हमारी गल जाएगी अच्छे से। इसे स्लो फ्लेम पे हम 10 से 15 मिनट तक के पकाएंगे। ये पक रही है, अब मैं इसमें ये काजू बादाम चारोली ये सबका पेस्ट बारीक दरदरा पीसी हूँ, इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें थोड़ा सी ग्रीन फूड कलर ऐड कर दूंगी, लौकी की खीर है तो ग्रीन तो दिखना ही मांगता है ना। ये सब ऐड करके मैं आपको बताती हूँ। टी स्पून की मदद से मैंने 6 स्पून शुगर ली हूँ, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैं मिल्क मेड नहीं डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ले सकते हैं और मिल्क मेड भी ऑप्शनल है, मिल्क मेड भी आप डाल सकते हैं। देखिए मैं इसे 10 मिनट तक के पकाऊंगी स्लो फ्लेम पे और हिलाते ही रहूंगी ताकि नीचे लगे नहीं ये खीर। और फिर इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। 10 मिनट से मैं स्लो फ्लेम पे पका रही थी, देखिए साबुदाना भी गल चुका है, नीचे जरी भी नहीं लगी है ये खीर और थिक भी हो गई है। अभी मैं इसके अंदर मावा ऐड कर दूँगी, ये 50 ग्राम मावा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, 5 मिनट तक के स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए हमारे हैदराबादी लौकी की खीर बनके तैयार है, झटपट बनती है एकदम, बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं एक न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।